हेलो गाइज एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल मैं हूं आप लोगों का होस्ट है तो सोनी तो आज की वीडियो में आपके दिल की पुकार मैंने सुन ली है और इस वीडियो को मैं बना रहा हूं क्योंकि आप सब लोग बोल रहे थे कि यार कोई वेडिंग टैंपलेट्स के ऊपर वीडियो बनाऊ क्योंकि यार वेडिंग टैम्पलेट्स देखिए ई क्यों पॉपुलर है ई के पॉपुलर होने के दो बड़े रीज़न है सबसे बड़ा रीज़न पहला क्योंकि ई बहुत एक लाइट सॉफ्टवेयर है तो ईजिली हमारे नॉर्मल सिस्टम में चल जाता है दूसरा एक सबसे बड़ा एडवांटेज ई का ये है कि ई के अंदर हमें जो है वो टैम्पलेट बेस एडिटिंग देखने को मिलती है सो so अगर आप कोई वेडिंग शूट कर रहे हो वेडिंग एडिट कर रहे हो कोई बड़ी वेडिंग है 40 मिनट की 50 मिनट की या कोई आप प्री वेडिंग कर रहे हो और प्री वेडिंग एक भी बाई डिफॉल्ट टैम्पलेट चाहिए तो उस टाइप की वीडियो एडिटिंग ना ई में होना बहुत ही ज़्यादा ईजीएसट वे से हो जाती है बहुत ईजीएसट वे से हो जाती है दैट आई एम टेलिंग यू सो इसी वजह से आज की जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि देखो टैम्पलेट तो तो का प्रोसेस कैसे रहता है टैम्पलेट्स को कैसे यूज करते हैं ईडीएस में दूसरा किस किस टाइप के टैम्पलेट्स अवेलेबल है मार्केट में कौन से मैं इन्वेस्ट करूं क्योंकि टैम्पलेट्स भी सेल होते हैं आपको पता है आठ नौ हजार रुपए के टैम्पलेट बिकते हैं तो कौन से टैम्पलेट्स में इन्वेस्ट करो वो सब आज की वीडियो में मैं क्लियर करूंगा और आप क्विकली जम्प करते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं किस तरीके से प्रोसेस वर्क करता है सो गाइज अभी आप लोगों को मेरे टाइम नजर आ रही होगी ईडीएस टेन की और अभी देखो यार देखो ई क्यों ज़रा पॉपुलर है उसके पीछे ये है कि आप लोगों को वेडिंग प्रोजेक्ट्स जो कि ईजी गोइंग एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं वो आपको ई के लिए मिल जाते हैं ठीक है और आज के वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि हम लोग अच्छे वेडिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है और ये जो वेडिंग प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा तो आप जा कर के डाउनलोड भी कर सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल वेडिंग प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी अभी लेटेस्ट सॉन्ग जो आए हैं ना उनके ऊपर बेस्ड इन है अब कैसे उसे यूज़ करना है देखो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ मेरे वेडिंग प्रोजेक्ट्स रखे कहाँ पे हैं तो मैंने उसको ड्राइव में डाला हुआ है मैं एक बारी फ़ोल्डर्स में जा... ड्राइव में आया ओके दिस पीसी दिस पीसी सी या मैं मेरी ड्राइव में आया और ड्राइव में मैंने यहाँ पे जो रखा हुआ है उसे ई डी एस प्रोजेक्ट्स के नाम से फोल्डर है और ये जो है वो डेटा है सारा ठीक है अब ये जितना भी डेटा है ना हाँ, ये अभी एज ऑफ नाउ जो डेटा होगा वो लगभग जो है वो पाँच सौ जी बी के आसपास का डेटा होगा बट uh, अगर आप यू you नो know, uh, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप किए हुए हैं आपको मल्टीपल ई डेटा डाउनलोड करने का ऑप्शन है और ये सारे लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी इन दिनों में वेडिंग में न्यू सॉन्ग्स चलने लगे हैं देखिए इसमें मैं ऑफकोर्स आपको लट्स भी मिलने वाली हैं क्लासिक टू क्लासिक थ्री क्लासिक वन डैमो एक्स्ट्रा सिनेमैटिक ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसमें आपको मिलने वाले हैं तो आप डेफिनेटली जा करके इन प्रोजेक्ट को चेकआउट करें इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है आप पाँच सौ जी बी का डेटा भी ले सकते हो आप ढाई सौ जी बी का डेटा ले सकते हो आप वन टी बी का डेटा भी ले सकते हो तो आप वन टी बी का मैं बोलूँगा क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा मिल जाता है म्यूजिक्स हो गए सॉन्ग हो गया वेडिंग शूट हो गया लॉन्ग वेडिंग प्रोजेक्ट्स हो गए वो सब कुछ इसके अंदर मिल जाते हैं स्पेसिफिकली प्री वेडिंग जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं प्री वेडिंग एडिट करता हूँ तो प्री वेडिंग के डेटा भी मैंने इसमें रखा हुआ है तो अब मैं क्या करूँगा ई डी एस में जाऊँगा फिर से और यहाँ पे मैं जाऊँगा फाइल और ओपन प्रोजेक्ट अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जो है वो ईडीएस में डेटा पे काम कर रहे हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि आपको फाइल पे जाना है सॉरी तो आपको फाइल पे जाना है और फाइल पे पे क्लिक करना है ओपन प्रोजेक्ट ठीक है ओपन प्रोजेक्ट करने के बाद में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ओपन किया है तो उसको सेव कर लेना पहले फिर यहां पे मैं ऑफकोर्स अपने दिस दिसपीसी में रहता हूं ड्राइव में जाता हूँ और यहां पे मैं ईडीएस प्रोजेक्ट पे जाता हूं ठीक है अब यहां से आई कैन सेलेक्ट लिक माई प्रोजेक्ट तो मैं अभी प्ले एंड एडिट वाले पे जाऊँगा जो कि अभी मेरे सबसे ईजी जो है प्रोजेक्ट्स मैंने बना रखे हैं यहाँ पे स्लो मोशन हाईलाइट्स में इस प्ले एडिट फ्री हाईलाइट स्लो मोशन के ऊपर क्लिक करूंगा और मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो लोड होना स्टार्ट हो गया है ठीक है अब ये प्रोजेक्ट है अभी मैं क्या कर रहा हूँ मेरे म्यूजिक को म्यूट करूंगा क्योंकि ये बॉलीवुड uh, सॉन्ग इसमें लगा हुआ है और जैसे ही मैं अभी म्यूज़िक अगर आपके सामने चल गया ना तो मेरे तो यूट्यूब पर कॉपी स्ट्राइक आ जाएगा और मेरा चैनल डिलीट होने के भी चांसेस हैं तो मैं वो रिस्क नहीं लेता इन दिनों में जितने भी बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं डालूँ मेरे चैनल पर और लेट मी रिड्यू लेट मी यू नो म्यूट दिस म्यूजिक मैं गाना आपको बताता हूँ गाना कौन सा है ये अभी लेटेस्ट सॉन्ग गाना है लेटेस्ट uh, सॉन्ग है और ये बेसिकली uh, कौन सा बॉलीवुड सॉन्ग ही है एक मैं सॉन्ग का नाम बोल रहा हूँ आज की शाम लगे पिक्चर का सीन कोई वाला जो सॉन्ग है सलमान खान का वाला सॉन्ग है बहुत पॉपुलर सॉन्ग है और बहुत सारे लोग इसको यू you नो know, जो है वो सुनना बहुत पसंद करते हैं काफ़ी ट्रेंडिंग लगता है ये ये लगभग पाँच मिनट और मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रोजेक्ट कितने सेकेंड का है पाँच मिनट और छत्तीस सेकेंड का है ये काइंड kind ऑफ of, आप हाईलाइट जो होती है ना वेडिंग हाईलाइट जो होती है उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है ठीक है अब देखिए वेडिंग हाईलाइट्स मैं आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ फाइनल है ये यह ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं सीक्वेंस है है ना ठीक है बंदी बॉय गर्ल कपल बारात मिलन और ये सारे बॉय एंट्री गर्ल एंट्री ये सब आपको बस यहाँ पे वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप करने है और आपकी वीडियो जो है वो मस्त से एडिट हो जाएगी मज़े से एडिट हो जाएगी ठीक है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार मैं सहराबंदी में जाता हूँ मेरे पास अभी एज ऑफ नाउ वेडिंग का डेटा लिमिटेड रखा हुआ है तो आई कैन शो यू सम मॉडल क्लिप्स है मेरे पास में वो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पर ना ठीक है तो मैं यहाँ पे गया और मेरे पास रखा होगा वीडियो एडिटिंग ये रहा ये एक फोर के कुछ वीडियोज़ हैं सो आई एल शो यू ये कैसे दिख रही है ये आई एल सेलेक्ट दिस और कंट्रोल दिस हाँ अभी मैं ये ओपन करता हूँ ठीक है ये क्लिप मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ठीक है तो सेहराबंदी वाले में मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैं फ़ाइनल में लेके चलता हूँ आपको और आप देखिएगा अभी कैसे है इसने जो है वो क्लिप को लगा दिया इसके ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कट टू कट लग गया ऑटोमेटिकली मैंने कुछ नहीं किया जस्ट मैंने जो है वो टाइम लाइन के ऊपर जा कर के सहराबंदी वाले पार्ट में मैंने जाके क्लिप्स को इम्पोर्ट कर दिया मेरा और ये मेरी वीडियो मस्त से जो है वो बन के एडिट हो गई है ठीक है अब ये सहराबंदी वाला पार्ट हो गया मेरा अब इसके बाद अब आप देखिए इफेक्ट्स कितने अच्छे हैं बहुत सिनेमैटिक अगर आप वेडिंग हाईलाइट्स बना रहे हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ठीक है अब अभी मैं फिर से ये सहराबंदी हो गया बॉय हो गया ठीक है और अब मैं फिर से बॉय में अगर कुछ क्लिप्स को उठा लूँ ठीक है तो ये ये तो बेसिकली सहराबंदी के लिए थी मैंने ये डिलीट कर दी ये हटा देता हूँ और अभी मैं फिर से इम्पोर्ट करता हूँ कुछ फाइल्स और मैं कौन सी इम्पोर्ट करूँ सहराबंदी के लिए वही मैं सोच रहा हूँ वीडियो एक सेकेंड मी सी मेरे पास क्या है एफ एक्स सिक्स का एक्स्ट्रा है कुछ हाँ ये बेसिकली कुछ वाइल्ड लाइफ शॉर्ट्स हैं चलो मैं वाइल्ड लाइफ ही आपको डाल के दिखा देता हूँ वेडिंग के अंदर वाइल्ड लाइफ मिक्स करके देखते हैं एक बार ठीक है ये मैंने उठा करके कंट्रोल 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 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ओपन कर लिया और ये मैंने टाइम लाइन पर एंड ड्रॉप कर दिया ठीक है अब हम लोग देखते हैं कैसा लग रहा है ये फाइनल में गए हम लोग so इसने ये किसी कहाँ पे सीक्वेंस में ऐड करा है दैट वी हैव टू चेक के बॉय वाले पार्ट में कहाँ इसने ठीक है जहाँ पे भी बॉय वाला पार्ट होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो पब्लिश हो जाएगा ठीक है ये रहा हाँ रहा ठीक है इफेक्ट के अंदर है बॉय वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे ऐड हो गया है और जहाँ पे और भी जहाँ पे भी बेसिकली ये पार्ट्स हैं आपको बेसिकली ये सारे एरियाज़ को फिल करना है फ़िल करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपकी पूरी शादी की जो टाइम है ना वो पूरी की पूरी ऑटो एडिट हो जाएगा आपको कुछ करने की नीड नहीं है और बहुत बढ़िया से एडिट होगा देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे गई है वो टाइमलाइन में ठीक है तो ऐसे करके बेसिकली ये सेहराबंदी हो गया उसके बाद फिर ये सेहराबंदी में कहाँ तक है हाँ ये यहाँ तक है उसके बाद फिर बॉय हो गया फिर बाद गर्ल हो गया फिर कपल्स हो गए फिर आपका मिलन हो गया फिर आपका बॉय एंट्री हो गई ये सब आप बस आप इसमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जाओ अपनी टाइम लाइन पर ड्रैग एन ड्रॉप ड्रैगन ड्रॉप करते जाओ अपनी टाइम लाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैगन ड्रॉप करते जाओ और आपकी जो वेडिंग प्रोजेक्ट्स है ना जो आपकी हाईलाइट वेडिंग हाईलाइट है वो बहुत अच्छे से सिनेमैटिक लुक में यहाँ पर बन के आपको मिल जाएगी ठीक है और अगर आप लोग पहली बार यूज़ कर रहे हैं वेडिंग प्रोजेक्ट्स आप पहली बार करने वाले हैं तो बस आपको करना क्या होता है देखिए आपको आप देखिए आपको ऑलरेडी से अपने टाइम लाइन पर डालेंगे ना अपनी वेडिंग प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो ये प्रोजेक्ट्स पूरे के पूरे ओपन हो जाते हैं यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे फाइनल मतलब आपकी ये मास्टर वीडियो है फिर इसमें सेहराबंदी हो गया बस आपको यहाँ पे क्लिप ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है दैट्स इट इतना ही करना होता है सबको लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट ये बहुत ईजी है बहुत ज़्यादा ईजी है ठीक है अब एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है मुझे फिर मुझे यहाँ पे मेरे ट्रिगर को लेके आना है आई दबाना है ठीक है और ये ट्रिगर को लेके आना है मेरे को यहाँ पे और मेरे इसको ओ दबाना है ठीक है और यहाँ से फिर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करने से भी नहीं करना है तो आप फाइल में आ जाओ और यहाँ से एक्सपोर्ट करके और प्रिंट टू फाइल कर दो और आपकी जो वेडिंग हाईलाइट है वो झट से दस मिनट में बन करके रेडी हो जाएगी मस्त क्वालिटी की मज़ेदार हाईलाइट आपको आपके बन के मिल जाएगी तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करना नाउ आगे बढ़ने से पहले जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट कि अगर आप ई डी एस को उसके ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करना चाहते हो तो उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं आप जाके जरूर चेकआउट करना ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है इसमें कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं है और सबसे अच्छी चीज ये है कि अभी ईडी का प्राइस भी कम हुआ पड़ा है अठारह हजार का हो रखा है वैसे ये बीच में उन्नीस से भी अच्छी बात यह है कि आप इसे किसी भी पेमेंट मोड में परचेज कर सकते हैं अगर आप क्रेडिट कार, कार्ड डेबिट कार्ड या फिर यू है तो आप उससे भी पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं और ये इंडिव्यू यूज करके और इसे यूज कर सकते हैं दूसरा आप मेरी वेबसाइट पे चले जाइए वर्ल्ड इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यहीं से ही आपको वेडिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे अभी मैंने वैसे, वैसे इस वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया है तो मुझे इसको वो अपडेट करना है जब जब आप जब मैं ये वीडियो पब्लिश करूंगा तो यहाँ पे आपको यहीं पे कहीं पे आपको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिखेगा वेडिंग ईडीएस वेडिंग प्रोजेक्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड दिस इज दी काइंड ऑफ लट्स जो अभी एज ऑफ नाउ इस पर लिस्टेड है तो अगर आप ईडीएस में कलर ग्रेडिंग करना चाहते तो ये लट्स भी आप चेकआउट करना बहुत सिनेमैटिक लट्स हैं स्पेशली वेडिंग प्री वेडिंग के लिए मैंने डिजाइन करी है ठीक है अब हम लोग चलते हैं वापस ई के ऊपर ये था बेसिकली ट्यूटोरियल के कैसे हम लोग बेसिकली सिनेमैटिक वेडिंग प्रोजेक्ट्स को यूज कर सकते हैं हाईलाइट वेडिंग सिनेमैटिक हाईलाइट प्रोजेक्ट को यूज करके और अपनी सिनेमैटिक तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जो मैंने बताया अगर आप लोगों को टैम्पलेट परचेज करने हैं वेडिंग वाले अच्छे टैंपलेट्स हाई क्वालिटी के टैम्पलेट जो आज इन दिनों में बहुत पॉपुलर है वेडिंग के अंदर गाने सॉन्ग्स और ये सब कुछ बहुत पॉपुलर है वो आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे साथ साथ में अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ईडीएस को भी आप खरीदना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर परचेस कर सकते हैं स्टेट यून की गाइस शूटिंग